तो आपको भी बाहुबली की तरह स्ट्रेटजी बनानी है जैसे कि उन्होंने लड़ने के लिए बनाना है बाहुबली। तो बाहुबली टिप्स जो है, केमिकल रिएक्शन का नाम सुन के पता नहीं क्या मैंने देखा, कुछ बच्चों के बिल्कुल पारा हाई हो जाता है कि हाई कैसे करेंगे। जय बच्चों, थंबनेल में बाहुबली टिप्स लिखा हुआ है। बाहुबली टिप्स ऐसा क्यों? देखिए, आपने बाहुबली फिल्म तो देखी होगी, इतनी साउथ की सुपर हिट फिल्म है, मुझे नहीं लगता कि किसी से बची होगी, सबने देखी होगी बाहुबली। में अपनी चीज़ देखिए कि कितना भी बड़ा खतरा आ जाए, कितने भी भयंकर से भयंकर लोग आ जाए, बाहुबली उनका सामना इतनी सटाक से करते थे, निकाली तलवार सब खत्म। बस आपको भी यही करना है कि जैसे बाहुबली के सामने एक से एक दुश्मन आते थे, वो कौन सा था, एक जंगली लोग आ गए थे, निम्टा दोसरस टेल मी हर तबुस क्रैक कोई किनम बोमला मोहिनो जुकू, बिल्कुल इसी तरह के लोग। तो आपके लिए एग्जाम पेपर है बिल्कुल वैसे ही, जैसे वैसे वहां पे हमला करने के लिए वो लोग आए थे जंगलों से, वैसे ही आपके लिए एग्जाम पेपर है। तो आपको भी बाहुबली की तरह स्ट्रेटजी बनानी है जैसे कि उन्होंने लड़ने के लिए बनाई थी। देवसेना को देखा था, देवसेना के राज्य में जब बाहुबली थे और अचानक से लोग आ गए थे हमला करने के लिए, तो वहां पे उनके पास कुछ रणनीति नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कुछ मटेरियल नहीं था, लेकिन अचानक से उन्होंने दिमाग चलाया, जो आसपास जैसा दिखा उसी को उन्होंने अपना जो है प्लान का हिस्सा बना लिया और पूरी की पूरी दुश्मनों की सेना को हरा दिया, देवसेना को भी बचा ले गए थे। बस आपको भी यहाँ पे यही करना है, नंबर बचाने हैं, नंबर है आपकी देवसेना, ठीक, हमला करने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर, और आपको बनना है बाहुबली। तो बाहुबली टिप्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो यकीन मानिए। देखिए, वैसे तो पढ़ाई होती है पूरे साल की, डेली आपको रिवीजन करना होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ना जो लास्ट के दो दिन में कैसे पढ़ें, लास्ट के दो दिन में क्या कैसे तैयार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर हो जाए। तो देखिए, ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो दो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करना चाहते हैं। आपको भी क्या करना पड़ेगा कि कुछ बताई हुई टिप्स को फॉलो करना है इन दो दिनों में, जो आपका पेपर है 27 फरवरी को, आपको दो दिनों में इन बताई हुई टिप्स को फॉलो करना है। नंबर आपके अगर 70 में, ये मान के चलिए 60 या 65 प्लस ना हो तो बताइएगा। टिप्स देखते हैं क्या है। देखिए, पहली चीज तो आपकी हो गई न्यूमेरिकल। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, पूरे साल नहीं पढ़ाई की है और लास्ट के दो दिन पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो न्यूमेरिकल तो आपकी जान लेने वाले हैं, सबसे बड़े दुश्मन तो आपको यही होंगे। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, न्यूमेरिकल आते भी बहुत हैं, आपको पता होगा जो फिजिकल पोर्शन आपके पेपर का होगा, अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, नया पैटर्न जो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लगभग 20 मार्क्स का जो है फिजिक्स पोर्शन आपके एग्जाम पेपर में आएगा। तो 20 नंबर फिजिक्स में आ रहे, तो सबसे पहले फिजिक्स को देखते हैं। अच्छा, फिजिक्स में क्या है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करनी है। कैसे? आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे जितने भी फार्मूला हैं आपकी फिजिक्स में, जो अलग अलग लेसन्स में जो फार्मूलाज हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हों, चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले लेसन के हों, या आपके फर्स्ट लेसन जो आपका है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह, इनमें से किसी भी लेसन के जितने भी आपको फार्मूले दिखते हैं उनको सबको एक पेपर पर नोट कर लीजिए अलग सेपरेट। फिर उस पेपर पर से उन सारे फार्मूले को याद भी करिए, और क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं पता होगा आप कहाँ से कर पाएंगे। अब फार्मूले जो हैं, हर एक फार्मूले पे कम से कम दो क्वेश्चन आपको करने हैं। याद रखिएगा कि आपको जो है कि फार्मूला बेस्ड टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन हर फार्मूले के आपको करने हैं, ठीक है। और हाँ, एक भी बात यहाँ पे जरूर कि जो इसमें एक आपने देखा होगा फिजिक्स में वो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको डायग्राम दिया होता है टेढ़ा मेढ़ा ऊट पटांग, और उस डायग्राम में आपको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा इस तरह से होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है डायग्रामेटिक वाले, जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है रेजिस्टेंस के, इनको जरूर प्रैक्टिस करिए। आपने पुराने मॉडल पेपर अगर देखो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के आने के। तो पहली बात तो हो गई कि आपको न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस को करना है, पहले आपको फार्मूले जो है सब लिख लेने हैं, और फिर हर एक फार्मूले पे एटलीस्ट दो न्यूमेरिकल जो है आपको जरूर लगाने हैं। ये आज जरूर याद रखिएगा, दो न्यूमेरिकल आपको हर फार्मूले पे जरूर लगाने हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पे फिर आता है डायग्राम प्रैक्टिस।
डायग्राम प्रैक्टिस। डायग्राम प्रैक्टिस में क्या है, आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट में से जहां से भी आपको जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई डायग्राम वगैरह अटेम्प्ट हो सकता है, पूछा जा सकता है, सबसे पहले उनको पढ़िए। जैसे आप, मैं बात करूँ अगर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आप जैसे लाइफ प्रोसेस में देखो तो डायग्राम की बिल्कुल भरमार है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ो, आपको एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ो, आपको लंग्स वगैरह वाला जो डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा। आप एक्सरेटरी सिस्टम पढ़ो, आपको किडनी का डायग्राम बनाना पड़ेगा। हो सकता है सेपरेटली एक किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह शो करना हो। नेफ्रॉन जो नर्व सेल है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का डायग्राम आपको बनाना पड़ सकता है कि उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, डायग्राम वगैरह, बमन कैप्सूल वगैरह क्या होता है उसमें, ये सब है। तो ये चीज़ें आप बायोलॉजी में जो है जितने भी डायग्राम वाले हैं, इन वाले कॉन्सेप्ट्स को पहले उठाइए। और जितने भी डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट हैं, सबके डायग्राम विद लेबलिंग अच्छे से क्लियरली उनको बनाना आपको आना चाहिए। उसके बाद हर एक डायग्राम कॉन्सेप्ट की थ्योरी, इतना आपको करना है, थ्योरी प्लस उसका डायग्राम, दोनों ये आपको कवर करने हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो यकीन मानिए जो शॉर्ट वाले आंसर आने वाले हैं वो आपके बहुत सारे उसमें से हो जाएंगे, जो लॉन्ग के आने वाले हैं बहुत सारे हो जाएंगे। आप जब उन डायग्राम और उनकी लेबलिंग को, उनके जो थ्योरी है उनका डिस्क्रिप्शन, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। इतना पढ़ोगे ऑलरेडी आपके क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप डायग्राम पढ़ रहे हो तो सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस हो रही है, आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है साइड वाइज वो भी तैयार करते जा रहे हो। ठीक है, तो डायग्राम और फिजिक्स में भी जो भी अगर कोई डायग्राम आता है, तो जैसे फिजिक्स में एक बात हम कर लें, जब आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत फिजिक्स में फर्स्ट लेसन में जो डायग्राम है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये भी डायग्राम के अंडर में आता है। 6 पोजीशंस होती हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स की, आप इनको साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर प्लस उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप तैयार कर लीजिए, डायग्राम वाली ये चीज़ हो जाएगी। अब आ जाओ मैग्नेटिक वाले में, जैसे आप मैग्नेटिक वाले में आएंगे तो वहाँ पे आपको सोलेनाइड है जैसे, या एसीडीसी, वो जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये फिजिक्स के हो गए। केमिस्ट्री में आई थिंक बहुत ज़्यादा कोई डायग्राम का वो पोर्शन नहीं है, फिर भी अगर कोई है तो आप डायग्राम वाले जितने भी है, थ्योरी प्लस डायग्राम, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मानिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही सॉल्व हो गए, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर डायग्राम प्लस थ्योरी ये प्रैक्टिस करनी है दूसरे नंबर पे। फिर आता है आपका तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में आपको लॉस पढ़ने हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों में से कुछ भी हो, आपको तीनों में से जितने भी लॉस आपको हैं दिख रहे हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। सारे लॉस जो भी आपने पूरे साल में देखे हैं, अगर फिजिक्स में जैसे है, मान लीजिए मैक्सवेल का स्क्रू वाला लॉ है, राइट हैंड थंब रूल है, ये जो भी आपने लॉस वगैरह पढ़े हैं, केमिस्ट्री में आज जो आपने लॉ पढ़े हैं, या ऑक्टेट रूल वगैरह, इधर बायो में आप आ जाइए, मेंडल्स के लॉ हैं, तो लॉ जितने हैं पहले उनको सब तैयार कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, इन तीनों के जितने भी लॉज हैं, इन सारे लॉस की प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप मेंडल का लॉ एक्सपेरिमेंट लॉ मान लीजिए तैयार करने बैठेंगे, तो आपका मेंडल के तीन जो लॉ हैं वो तीनों के तीनों तुरंत ही आपके तैयार हो जाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो वो भी सब साथ में तैयार हो गए। ठीक है, तो दिखने में एक कॉन्सेप्ट है लेकिन उसके अंदर से बहुत कुछ आप तैयार करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये लॉस हो गए। लॉस तैयार करने के बाद में फिर क्या होता है भाई, आपने न्यूमेरिकल कर लिए, आपने जो डायग्राम थी उनकी प्रैक्टिस कर ली, आपने लॉस तैयार कर लिए, अब आते हैं केमिकल रिएक्शन में। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, और हाँ 20 मार्क्स की आ रही है इस बार, याद रखिएगा, जो नया सिलेबस आपका नया पैटर्न है मॉडल पेपर, वो 20 मार्क्स का दिखा रहा है केमिस्ट्री पोर्शन। आपको केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर सामना किसी का करना पड़ेगा, बाहुबली बन के अगर किसी के साथ सबसे ज़्यादा आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का नाम सुन के पता नहीं क्या मैंने देखा, कुछ बच्चों के बिल्कुल पारा हाई हो जाता है कि हाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये वो दुनिया भर का। तो आपको फिर इसके बाद में केमिकल इक्वेशन जो है उनको करना है, केमिकल इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कंप्लीशन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, एक होता है आपको एक कोई केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी जो कि बैलेंस नहीं होगी, एक तरफ एटम्स की नंबर कुछ और है, दूसरी तरफ कुछ और है, इक्वलाइज में नहीं है।
तो आपको इसे वो बैलेंस करना होगा। एक तो इसमें का क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, आपको ए दे दिया, उसके बाद में बी नहीं पता है, उसके बाद में सी जो है वो दे दिया, और जो डी है वो नहीं पता है, फिर पूछा कि बी और डी इनको बताइए। तो इस तरह की रिएक्शन होती है जो अधूरी होती है, आपको कंप्लीट करना होता है। तीसरा आपका आता है हाउ विल यू गेट, हाउ विल यू गेट। इसमें पूछ लेते हैं कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड से दूसरा वाला कंपाउंड कैसे बनाएंगे, तो ये प्रोसेस आपसे पूछ लेते हैं। एक और है प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में जैसे कि आपको कोई कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे इसको बनाने का मेथड होता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाउ विल यू ऑब्टेन, हाउ विल यू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, या हाउ विल यू प्रिपेयर एथेनोइक एसिड, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल वगैरह वगैरह। तो कोई कंपाउंड देके प्रिपरेशन मेथड पढ़ा सकते हैं आपको। तो ये इतने तरह की केमिकल रिएक्शन है जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये काम भी हो गया, और ये सो के काम नहीं करना है आपको, जल्दी करना है। दो दिन की ये ट्रिक है, ये ट्रिक दो दिन की है भाई, दो दिन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, वरना तो पढ़ाई पूरे साल की होती है भाई, साल भर का आप दो दिन में थोड़ा कवर कर पाओगे। तो इस ट्रिक को अगर फॉलो करोगे तब जाके आप 70 में 60 प्लस नंबर स्कोर कर लोगे, मैं तो कर रहा हूँ 65 प्लस स्कोर कर लोगे। अब देखिए लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में आपका बचता है मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन। ये क्या चीज़ है, आपने कोई प्रिपरेशन करने के लिए जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीदी होगी, या आपने बुक में जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एग्जांपल, आपने जैसे अगर क्वेश्चन बैंक परचेज की है, तो क्वेश्चन बैंक में आप ऐसे क्वेश्चंस, इन सबको करने के बाद में ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे कहीं कहीं अपने देखो क्वेश्चन के आगे लिखा होता है 2019, 2021, 2022 वगैरह, तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, तभी तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो आप उनको तैयार करिए, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप भी उसको क्यों छोड़ रहे हो, आप भी उसको तैयार करो। तो जितने भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मॉडल पेपर ले लीजिए पुराने जो हैं, उनमें जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करें लास्ट में ये पोर्शन। पहले इतना सारा काम कर लीजिए, उसके बाद में लास्ट में आपको ये काम करना है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, जो आपके में क्वेश्चन वगैरह में जो बहुत ज़्यादा कई बार साल आए, कई सालों में आए हैं, उन क्वेश्चन को लास्ट में तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये मानिए कि आपका बहुत कुछ पेपर जो है वो अच्छे स्कोर आपको देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सब करके आप बाहुबली बनने के लिए रेडी हो गए होंगे, और बाहुबली की तैयारी कर भी रहे होंगे। तो भाई सभी बाहुबली की तरह जाइए, 27 तारीख का साइंस का पेपर फोड़ के आइए, झंडे गाड़ दीजिए। जय हिंद।